हेलो किसान भाई लोग, तो आपका फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हो आदिवासी फार्मिंग। तो आज का वीडियो कुछ इस प्रकार है कि आज धान वाला खेत जुताई हो रहा है, जो बहुत टाइट है। आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा ढेला निकला है, तो एकदम बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अभी ट्रैक्टर रुका हुआ है क्योंकि कल्टीवेटर का एक कसना गिर गया, मतलब बोल्ट टूट गया, जिसकी वजह से कसना गिर गया। तो अभी बोल्ट घर से लेके आए और एक लड़का फिट कर रहा है, चलो दिखाते हैं आपको। तो ये वाला हो चुका है ऊपर, मतलब दो तीन और उस साइड दो, तो पांच जुताई हो चुके हैं। अब इसका नंबर लगेगा ये वाला, फिर ये वाला, और एक यहाँ पे ऊपर में है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे उस साइड, वहाँ पे एक खेत जोतना है 10-15 मिनट का। तो ये सब किराए पर काम होता है, तो चलो देखते हैं कैसे फिट कर रहा है कसना। छोटा वाला लगाओ नीचे में, अच्छा ऊपर में है, ठीक है ठीक है, नहीं एक तो नीचे में है। तो यहाँ पे दो बोल्ट, यहाँ पे तीन बोल्ट लेके आया है, ऊपर में बड़ा वाला, नीचे में छोटा वाला। आपको जैसे आप देख रहे हो इतना ज़्यादा बाहर निकला है, करीब एक इंच बाहर निकला हुआ है। तो नीचे में रहता है तो मुड़ जाता है बोल्ट, इसीलिए हम लोग छोटा वाला नीचे साइड लगाते हैं और ऊपर में बड़ा साइड बड़ा। तो टाइट करो, ये वाला भी लगाओ। तो चलो लगाते हैं फिर। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30, और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, नहीं तो रात हो जाएगा, फिर ठंडी लगने लगेगा। तो चलो फिट करते हैं। तो ये रहा स्वराज 834 XM, जो कि धनखवार में इतना खतरनाक परफॉर्मेंस अभी दे रहा है। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ढेला निकल गया खेत में। सभी खेतों में ऐसा ढेला नहीं निकलता, सभी खेत अलग अलग होते हैं, किसी में हल नहीं लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा लगा है। तो चलो शुरू करते हैं। और देख रहे हो आज का शाम हो रहा है और बहुत अच्छा सनलाइट, मतलब दिन डूब रहा है। तो चलो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम।
चार।